किया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया आज हम अल्लाह तबारक व तालयसन में से ग्यारहवें नंबर के नाम पर बात करेंगे और, है अल्मतक़बीर। 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 और वह है अलमतकबरुत अलमतकबरु और अलमतकबर जो अल्लाह तबारक वाले वो खासा है आप खुशियत के साथ आपका नाम है क्यूँकि मतकबर आपकी ज़िला कोई और नहीं हो सकता मतकबर उस को कहते हैं कि जिसके अंदर इस दर्जे की बड़ाई और अजमत पाई जाती है कि ऐसी बड़ाई और अजमत उसके गैर में नहीं यही है यही वजह है कि अल्लाह तबारक वाले ही मतकबर है अल्लाह के लाभ कोई और मतकबर नहीं हो सकता यही वजह कि किसी को तकबर करने की इजाज़त नहीं क्योंकि अल्लाह तबारक वाले ख़ुद इशाद फरमाते हैं हदीस खुद है ये अलकी बुरदाई कि यह तकबर मेरी चादर है कि जिसने मेरी चादर छीनने की कोशिश की तो मैं उसको सख्त अदाब दूँगा तो इसलिए जो तकबर की किसी को इजाज़त नहीं क्योंकि ये मतकबर ज़ात के सामने बड़े बड़े मतकबर शहनशाहों की गर्दने झुक जाती हैं और आसमान ज़मीन का यह वसी निज़ाम उसकी मतकबरना ताक़त के सामने ही जो है सर नगुँ हैं तो ये रात और इस नाम की बड़ी फजीलतें हैं इस नाम की जो आदद हैं वो छः सौ बासठ हैं टू शिक्स। कि छः सौ बासठ इसके अदद हैं और ये जो कुरान करीम में एक जगह आया है नाम कुरान में एक जगह ये नाम आया है और सुुद हाशर के अंदर ये नाम ज़िक्र किया गया है तो जहाँ तक इसके फ़जाल फ़वाल का ताल्लुक़ है तो एक फ़ायदा इसका यह है कि अगर किसी में बेह बे हो और या बेहयाई पैदा होने का अंदेशा हो जैसे यहाँ आज कल औलादों के अंदर अंदेशा होता है कि बड़ी हो जाएंगी औलादें बाहर के माहौल में जाएँगी तो कहीं बेहया ना हो जाएँ यहाँ के माहौल का असर न ले दें उसमें बड़ी इसके अंदर तासीर है कि अपने बच्चों पे रोज़ाना दस मरतबा पढ़ के फूँकते रहें सिर्फ दस, दस दफ़ा अलमतकबर अलीफलाम के साथ पढ़ें भले या मतकब्बर या के साथ पढ़ें तो दस दफ़ा पढ़ के उस पर फूँक दिया करें तो तरीका ये कि जब वो स्कूल जाने लगें तो उस वक्त जाने से पहले दस दफ़ा हर बच्चे पे फूक दें और ये बड़े के लिए भी है छोटे के जिसके अंदर ऐसा अंदेशा है या ये बेहियाई कौंसर उसके अंदर है तो ये इसके अंदर सख्त ज़बरदस्त तसर है और ये एक सौ बीस दिन तक करना है इनशाला उसके अंदर हया और उसके अंदर एक ख़ास किस्म की जो अदब पैदा हो जाएगा और दूसरा इसके अंदर तसीर ये कि रात में अगर कोई चौंक के उठता है डर के उठता है या रात को ड्रोन ख्वाब उसको आते हैं बच्चा या बड़ा है तो इक्कीस मरतबा ये अलमतकबरु या मतकबरु या, या, या कह के जो है वो व्रद्ध करके अपने ऊपर दम कर ले या माँ अपने बच्चों के ऊपर दम कर दे तो इक्कीस मरतबा पढ़ के तो वो ड्रोन खाब नहीं आएंगे और ख्वाब के अंदर डरेगा नहीं ये इसके अंदर तसीर और तीसरे इसके अंदर ये कि अगर कोई नया काम करना चाहता है उसको रुकावट का अंदेशा है कि यार ये मेरे काम में रुकावट ना आ जाए या ये काम पाए तक मिल तक ना पहुँचे या जिंदगी के किसी भी काम के बारे में सोचता है तो उसका तरीका ये कि या तो कसरत से उससे पहले इसका विज करे या मतकबर या मतकबर या मतकबर कसरत से और ज़र कसरत का अंदाज़ा हर आदमी को होता नहीं तो बेहतर यह है कि अदद हो वह ग्यारह सौ का ग्यारह सौ मरतबा या मतकबर तो पढ़ के अल्ला की ग्यारह मरतबा रूशी पढ़ के जब वो दुआ कर ले कि ये काम में शुरू करने लगाऊँ इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना रुकावट ना है अपने रहमत फजल से पाए तक मिल तक पहुँच जाए अगर जो ग्यारह सौ नहीं पढ़ सकता तो तीन सौ तेरह दफा पढ़ ले तीन सौ तेरह दफा पढ़ के और यह उसके बाद ये दुआ कर ले इनशा जो काम रुकेगा नहीं और अपने पाए तकमील तक, तक पहुँचेगा ये इसके अंदर तसीर और एक तासीर है कि वक्त का बादशाह है या किसी इदारे का हाकिम है वो ये चाहता है कि उसके इकतदार को इस्तेकाम रहे उसकी बादशाह को इस्तेकाम रहे और जब वो तमाम रियायत जो है उसकी ताब होकर चलती रहे उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है ये इसका जदद है छः सौ बासठ छः सौ बासठ मरतबा पढ़ना है और छः सौ बासठ दिन तक पढ़ना है हाँ बस इतना पढ़ ले बस समझो हम हमेशा के लिए जान छूट गई अब इनशा उसका इकतदार उसकी जो भी हुकूमत है जो उसका जो हैदा है उसके अंदर उसको इसकाम रहेगा और कोई भी जो उसको हिला नहीं सकेगा और ये इसकी जो है वो की हैसियत जो है वो पूरे इतदाल के साथ चलती रहेगी तो छः सौ बासठ दफ़ा इसका विद्ध कर सकता है और एक ये है कि अगर जो है दुश्मनों को खौफ है किसी को या दुश्मन जब मुझे तकलीफ पहुँचाएंगे या दुश्मन मेरे कामों में रुकावट डालेंगे मेरी हैसियत को मजरू करेंगे उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि ये इंसान जो अपने अपने नाम की आदत के, के मुताबिक अपने नाम की आदत के मुताबिक जो है इसका विध करें रोज़ाना अगर उसके नाम क्या दे एक सौ ग्यारह मसल तो एक सौ ग्यारह मरत रोज़ाना किसी एक कि नमाज के बाद जो है वो पढ़ के अला के ग्यारह मरतबरशीफ पढ़ के दुआ कर लिया करे इन चार दुश्मन बुदगोई से बाज आ जाएंगे और ये मंजिल को पहुँच जाएगा और एक तासीर है कि अगर चाहता है कि बेटा पैदा हो तो उसका तरीका ये कि बीवी के पास जाने से पहले जो है वह दस मरतबा इसका विरध कर ले भले उसको या मुतकबरु कह के वध कर ले भले अल अलमुतकबरु का, का वेद करके ऊपर दम कर ले फिर जो वो मुकारबत करे इन श्ला जो अल्लाह की रामत जब होगी तो बेटा पैदा होगा ये ज़बरदस्त तासीर है इसमें तो ये इसके फजायल फायद और जहाँ तक ख़्वाब ताबीर का ताल्लुक है अगर ख्वाब के अंदर ये नाम लिखा हुआ देखा या सुना इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व वाली इसको फ़र्जंदाल ताफ़र महेंगी यानी इसको औलाद नजीरा ये बेटा ताफ़र फरमाएंगे बशरत कि उसकी बीवी हामिला हो अगर बीवी हामिला है इसका मतलब इसको बेटे की बशारत अल्लाह तबारक वाण दे दी है और अगर औलाद का ऐसा कोई सिलसिला नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक वारे इसके मरतबे और इज़्ज़त में इजाफा करेंगे और किसी ओहदे मनब के ऊपर अगर कायम है तो अल्लाह उस ओहदे और मनसब को तूल दे देंगे इसको जो है बहुत ही आसानी राहत के साथ जो है काम करने की तौफीक होती रहेगी ये इसकी बशारत बहुत खूब हज़रत कुछ आ, कुछ बातें आपने ऐसी कही आज के जो मैं ये समझता हूँ कि चाहे लोग माने या ना माने वो घर घर की ज़रूरत है और वो बात ये है कि आपने बात की कि बच्चों की बेहयाई से उनको दूर रखने की तरकीब इतना आसान फार्मूला कि सुबह सिर्फ दस दफ़ा पढ़ने की बात है और यहाँ पे घरों में बच्चे हैं पैदा हुए हैं बच्चे पाकिस्तानियों मुसलमानों के घरों में जो वापस नहीं जाएंगे नहीं। अपने मुल्कों को यहीं रहेंगे यहाँ की पैदाइश है तो उन बच्चों को सही रास्ते पे डालने के लिए वालदेन के हकूक़ में से एक ये फ़राइज में से मैं कहूँगा एक ये भी फ़र्ज फर्ज और और ये दस दफा पढ़ने की बात है रोजाना और कितना इसमें लगेगा शायद दस सेकेंड लगेगा दस दस लगे। लगे। यही, बात, यही बात है ना तो ये ये आपने बात कर दी अब ये सुनने वाले वालदे हाँ। जो समझने वाले वालदे हैं वो इस पे आ, अमल करें या ना करें ये उनके ऊपर है इसमें आपने ये भी फरमाया कि जरूरी नहीं है कि बच्चा बिल्कुल छोटा ही हो बच्चे बच्चियाँ जो बड़ी हो गई हैं जो जिनकी डगर तब्दील हो गई है उनके लिए ठीक है भी। अच्छा फिर आपने आ, हाकिमों के लिए एक बात बता दी भी। मैं भी। जैसे कहता हूँ आप हमारा हाकिम जैसे पाकिस्तान में इमरान खान वज़ी अजम छः सौ बासठ दफा पढ़ लें और छः सौ बासठ दिन का मतलब है दो साल से थोड़ा कम ठीक है उसके लिए पढ़ लें और फिर ये कि काम की रुकावटों के लिए पढ़ लें और और फिर ये कि नींद जो कि अक्सर लोगों की शिकायत, शिकायत है कि नींद ठीक नहीं होती नींद कच्ची है नींद से उठ जाती है झटके से उठ जाते हैं डराने ख्वाब और बच्चे तो ऐसी बता भी नहीं सकते कि ख्वाब क्या आया था और एकदम उठ के रोने लगते हैं तो उनके लिए कार आमद है और एक जो बात आपने बताई जिनको बेटों की ख्वाहिश है बिल्कुल ठीक है वो कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं